दोस्तों आईपीएल साल 2021 का सीजन शुरू होने में बहुत ही कम समय रह गया है और आईपीएल का 14th एडिशन बहुत ही ज़्यादा शानदार और बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है। मिनी ऑक्शन के बाद अब आपको प्रैक्टिस कैंप जल्द लगते हुए देखने को मिल जाएंगे और अब सभी टीमें अपनी स्ट्रेंथ अकॉर्डिंग यहाँ प्लेइंग 11 डिसाइड करने वाली है। जो भी इनके स्क्वाड के अंदर नए प्लेयर आए हैं उनके साथ कॉम्बिनेशन बनाएगी और साल 2021 के सीजन के लिए सभी टीमों की तरफ से लगातार बहुत सारी अपडेट्स बाहर निकल के आती है। बट आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम की। दोस्तों कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम जो साल 2020 के अंदर उनकी इकलौती गलती थी ओपनिंग पेयर को लेकर, वो साल 2021 के लिए अब सुधर चुकी है। और वहीं सभी फैंस का ये बहुत सारा सवाल था कि कौन से दो ओपनर्स होने वाले हैं केकेआर की टीम में जो साल 2021 के लिए उनके लिए ओपनिंग करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में मैं आपके लिए सभी पॉसिबल कॉम्बिनेशन लेकर आ गया हूं कि केकेआर की टीम में कौन कौन सी जोड़ी हो सकती है जो ओपन करेगी और इन जोड़ियों को ट्राई करने के बाद प्लेइंग 11 में क्या बड़ा बदलाव हो सकता है, यानी एक प्लेयर आता है तो किस प्लेयर के ऊपर प्रभाव पड़ेगा और ओपनिंग प्लेयर में कौन सा प्लेयर इन और आउट होएगा। तो आज की वीडियो में मैं आपको ओपनिंग और प्लेइंग 11 से रिलेटेड ए टू जेड सभी तरह की इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। तो फ्रेंड्स वीडियो हमेशा की तरह काफी मजेदार और काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों अगर आप भी हैं आईपीएल के बड़े फैन तो जल्दी से कर दीजिए हमारी वीडियो को लाइक। इसके अलावा आईपीएल की लेटेस्ट न्यूज के साथ अप टू डेट रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें। दोस्तों कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम के लिए इकलौती गड़बड़ साल 2021 के लिए एक ही थी जो कि ओपनिंग का ना चलना था, क्योंकि यहां दोस्तों शुभमन गिल अच्छा स्टार्ट तो दे देते थे और लीडिंग रन स्कोरर्स के अंदर भी टॉप के अंदर थे, बट यहां दोस्तों वो बहुत ही कम स्लो स्टार्ट करते थे, बहुत धीमा खेला करते थे, पावर प्ले का अच्छे से स्टार्ट वो नहीं दे पाते थे। साथ ही साथ उनकी जोड़ी भी इनकंसिस्टेंट थी, यानी उनके साथ कभी किसी को भी पेयर कर दिया जाता था। और साल 2021 के लिए केकेआर मैनेजमेंट जरूर इसके ऊपर ध्यान देना चाहेगा, जहां दोस्तों सभी पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनाकर टोटल 6 कॉम्बिनेशन बने हैं ओपनिंग पेयर्स के लिए। तो कौन से होने वाले हैं ये कॉम्बिनेशन आज की वीडियो में मैं आपको इसी टॉपिक के बारे में बताने वाला हूं। बट वीडियो में आगे जाने से पहले आप नीचे जरूर कमेंट करके बताओ कि क्या केकेआर है तैयार आईपीएल 2021 के लिए, क्या वो तीसरी बार चैंपियन बन पाएगा। इसके अलावा दोस्तों बात कर लेते हैं इन सभी सारे कॉम्बिनेशन की। कुल मिलाकर टोटल 6 कॉम्बिनेशन होने वाले हैं जो ओपनिंग कर सकती है केकेआर की टीम, पर इनको डायरेक्ट मैच के अंदर नहीं, सबसे पहले 6 के 6 कॉम्बिनेशन केकेआर की टीम अपने प्रैक्टिस कैंप के अंदर यहां पर ट्राई करके देखेगी। पहले कॉम्बिनेशन का नाम है शुभमन गिल और राहुल त्रिपाठी। दोस्तों ये कॉम्बिनेशन तो बहुत ज्यादा कॉमन है, जहां पर साल 2020 के अंदर भी ये कॉम्बिनेशन बना था। हालांकि राहुल त्रिपाठी को 2-3 मैचों के लिए ट्राई किया गया था गिल के साथ, वो थोड़े फ्लॉप हुए, कुछ चले। बट अगर आपको बता दें दोस्तों ये कॉम्बिनेशन बनता है तो हाल ही के अंदर खरीदे हुए करुण नायर टीम से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि यहां आपको बता दें दोस्तों केकेआर की टीम की जो भी ओपनिंग के अंदर चेंज होने वाली है वो सीधे सीधे उसके मिडिल ऑर्डर के ऊपर प्रभाव डालेगी, क्योंकि यहां दोस्तों बहुत ज्यादा पैक है मिडिल ऑर्डर, चाहे शाकिब हो, चाहे नीतीश राणा हो, आयन मॉर्गन हो, रसल हो, दिनेश कार्तिक, पूरा पैक भरा हुआ है। इसके अलावा दोस्तों अगले कॉम्बिनेशन की अगर बात करें तो शुभमन गिल और करुण नायर का ये कॉम्बिनेशन बनता है। दोस्तों करुण नायर ओपन कर सकते हैं, बहुत अच्छा ये खिलाड़ी खेलते हैं, बट अगर करुण नायर के साथ शुभमन गिल की जोड़ी बनती है तो त्रिपाठी या तो लोअर ऑर्डर के अंदर चले जाएंगे या फिर टीम से बाहर हो जाएंगे। तो आप नीचे जरूर कमेंट करके बताओ कि शुभमन गिल और करुण नायर की ओपनिंग जोड़ी कैसी रहने वाली है। तीसरे कॉम्बिनेशन की अगर बात करें तो शुभमन गिल और दिनेश कार्तिक का ये कॉम्बिनेशन होने वाला है। दोस्तों जी हाँ, अब आपको लग रहा होगा कि दिनेश कार्तिक जो फिनिशर रोल निभाते हैं वो कैसे यहाँ पर ओपन कर सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें अगर दिनेश कार्तिक को ओपन ना कराया जाए तो उनकी बैटिंग नंबर 7 नंबर 8 के ऊपर आने वाली है, जो कि इम्पॉसिबल होगा हर मैच में उनकी बैटिंग आना। तो यहाँ दोस्तों राहुल त्रिपाठी या फिर करुण नायर को लोअर ऑर्डर के अंदर शिफ्ट किया जाएगा, या फिर हो सकता है उन दोनों को ही बाहर निकाल कर वैभव अरोड़ा एक तेज गेंदबाज को टीम में लिया जाए। तो ये भी एक अच्छा कॉम्बिनेशन होने वाला है, जहाँ दिनेश कार्तिक को अगर ओपन कराते हैं तो हो सकता है कुछ कमाल कर दिखाएं। आप नीचे जरूर कमेंट करके बताओ शुभमन गिल और दिनेश कार्तिक की ओपनिंग पेयर कैसे रहने वाली है। चौथी जोड़ी का नाम है शुभमन गिल और सुनील नारायण। दोस्तों लंबे समय से सुनील नारायण केकेआर के लिए ओपन करते हुए आए हैं, साल 2020 के अंदर उनकी गड़बड़ फॉर्म रही थी, बट दोस्तों यहां सुनील नारायण को प्लेइंग 11 में लेने का साफ साफ ये मतलब है कि शाकिब अल हसन टीम से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि आयन मॉर्गन, पैट कमिंस और आंद्रे रसल ये 3 फॉरेन प्लेयर तो पहले से ही फिक्स है। तो आप नीचे जरूर कमेंट करके बताओ कि सुनील नारायण को मौका देना चाहिए या फिर शाकिब अल हसन को मौका देना चाहिए। पांचवी जोड़ी का नाम है शुभमन गिल और रसल, यानी दोस्तों आंद्रे रसल हो सकता है आपको कुछ मैचों के लिए ओपन करते हुए नजर आए, और यहां पर नीतीश राणा आपको दिख जाए फर्स्ट डाउन पे। जी हां दोस्तों, दिनेश कार्तिक को ये रोल दिया जाएगा कि वो फिनिशर की भूमिका निभाए, और ऐसा इसलिए है क्योंकि आंद्रे रसल इंजरी के चलते ज्यादा अच्छी यहां पर हिट्स नहीं लगा पाते हैं नीचे। अगर दोस्तों पावर प्ले के अंदर उनको बैटिंग मिलती है तो वो काफी अच्छे हिट्स लगा सकते हैं। तो आप नीचे जरूर कमेंट करके बताओ कि क्या कुछ मैचों के लिए आंद्रे रसल को ओपनिंग में ट्राई करना चाहिए। छठी और आखिरी जोड़ी आती है दोस्तों
दोस्तों सुनील नारायण और नीतीश राणा की। ये कॉम्बिनेशन भी आप साल 2020 के अंदर देख चुके होंगे, जहां आपको बता दें दोस्तों नीचे फिनिशिंग का रोल आयोन मॉर्गन, दिनेश कार्तिक और आंद्रे रसल के कंधों पर आ जाएगा और नारायण को खेलने का मतलब है कि शाकिब अल हसन बाहर हो जाएंगे। तो आप नीचे ज़रूर कमेंट करके बताओ सभी पॉसिबल कॉम्बिनेशन जानने के बाद कि कौन होना चाहिए यहाँ पर केकेआर का ओपनिंग पेयर। तो फ्रेंड वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी जरूर लाइक करें।